आज का क्लास होगा आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सबसे पहला पैकेज जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो जिसमें हम लोग पिछले क्लास में पढ़े कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कैसे करते हैं और इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या क्या काम कर सकते हैं। और आज का क्लास होगा मेनू बार का। तो जिसमें पिछला क्लास में एक चीज और बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो आपका मेनू का होता है। ऐसे एमएस वर्ड आप ओपन कर लेंगे, लेकिन एमएस वर्ड ओपन करने के बाद आपको क्या करना होगा कि एक डॉक्यूमेंट बनाना होगा। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सबसे ज्यादा उसमें यूजफुल जो होता है वो आपका मेनू बार होता है। और सबसे पहला मेनू हम लोग पढ़ेंगे यहां से होम मेनू। ठीक है, सबसे पहला मेनू क्या हो गया, होम मेनू। तो जितना भी काम होगा ना, कि आप जैसे लेटर लिखेंगे, कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे या जो भी काम करेंगे, इसमें सबसे ज्यादा यूज जो होगा वो आपका मेनू बार का होगा। और सबसे पहला मेनू हम लोग पढ़ेंगे होम मेनू। और होम मेनू का काम जो होता है वो टेक्स्ट से रिलेटेड होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाएंगे, यानी जो भी पेज पर आप लिखेंगे, टाइप करेंगे, उस पर किसी भी तरह का एडिटिंग करना होता है, किसी भी तरह का बदलाव करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, होम मेनू का यूज करते हैं। तो जिसमें सबसे पहला आपका होगा कट, कॉपी और यहां से पेस्ट। तो कट, कॉपी, पेस्ट, ये क्या है कि कट मतलब होता है काटना, ठीक है, कट मतलब क्या होता है, काटना। और कॉपी मतलब होता है डुप्लीकेट करना। तो होता क्या है कि जब किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एक जगह से उठा के दूसरे जगह ले जाना होता है, यानी मूव करना होता है, यानी जगह बदलना होता है, तो उस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, हम उस जगह से कट करेंगे। और कट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो जैसे कट करेंगे तो जहां पर डॉक्यूमेंट आपका था वो वहां से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, यानी हट जाएगा। और इसके बाद जहां पर आपको ले जाना है उस जगह पे आप पेस्ट कीजिए, यानी पेस्ट करेंगे तो वो वहां पर चला जाएगा। मान के चलिए कि ये जो है ना, हम एक टेक्स्ट लिखे, ये श्याम आपका इस पेज में ना, इस जगह पे ये पेज है, इस पेज में जो है आपका इस जगह पे, और इसी श्याम को ना उठा के मूव करके हमको क्या करना है, पेज नंबर 2 पे इस जगह पे लाना है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक उपाय है कि सिंपल प्रोसेस कि हम यहां से इसको डिलीट कर देंगे और यहां पर दोबारा टाइप कर देंगे, ठीक है। लेकिन उससे बेटर ज्यादातर यूज होता है आपका कट और पेस्ट। यानी क्या करेंगे, यहां से इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद कट कीजिए। जैसे कट करेंगे तो ये यहां से खत्म हो जाएगा, और जैसे इस जगह पे लाना है तो इस जगह पे आप क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। यानी कॉपी पेस्ट का मतलब होता है कि जब किसी टेक्स्ट को, किसी ऑडियो वीडियो यानी किसी भी फाइल को डुप्लीकेट करना होता है तो हम लोग यहां से कॉपी और पेस्ट का यूज करते हैं। यानी एक जगह से मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तब हम कट और पेस्ट करेंगे। और एक ही चीज अगर आपको बार बार चाहिए तो एक बार आप उसको कॉपी कर लीजिए और जितना बार चाहिए उतना बार पेस्ट कर लीजिए। इसका मतलब दुकानदार लोग जो है वो जो ऑडियो गाना है या वीडियो गाना या मूवी है वो क्या करता है कि कट और पेस्ट नहीं करता, वो क्या करता है आपका कॉपी और पेस्ट करता है। इससे क्या होता है कि उसके कंप्यूटर में भी रह जाएगा और आपके मेमोरी कार्ड में भी आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है लैंग्वेज चेंज करने का, ठीक है। यानी होम मेनू में ही देखिएगा, कट, कॉपी, पेस्ट के बाद आपका इस तरह से रहता है, यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा एरियल। यानी ये जो एरियल नाम है ये आपका क्या है कि लैंग्वेज का नाम है, यानी लैंग्वेज। और इसको हम लोग यहाँ से फॉन्ट भी कहते हैं। यानी ये जो एरियल है वो इंग्लिश लैंग्वेज का नाम है, इंग्लिश फॉन्ट है। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर में और भी किसी भाषा में लिखना होता है, चाहे हिंदी हो, चाहे बांग्ला हो, गुजराती, मराठी, जो भी भाषा में लिखना होता है, इसी जगह से हम क्या करते हैं कि क्लिक करके जो नीचे लिस्ट खुलेगा वहीं पर हम लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज चेंज करते हैं, भाषा बदलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि ये एरियल तो इंग्लिश लैंग्वेज का नाम है, हिंदी करना हो तो हिंदी के लिए कृति, देव, ये सब फॉन्ट आता है, उससे आप हिंदी टाइप कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके बगल में आपको मिलेगा ऐसा करके साइज। साइज का मतलब होता है कि जो आप फॉन्ट टाइप करते हैं, यानी जो लैंग्वेज आप लिख रहे हैं, यानी जो भी टेक्स्ट आप लिख रहे हैं उस टेक्स्ट का साइज क्या होना चाहिए। तो साइज जो होता है ना, जैसे इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे नीचे लिस्ट खुलेगा,
और उस लिस्ट में क्या होगा कि जैसे 12 है, 14, 16, 18, 20, 22 ऐसा करके लिस्ट जाएगा, जिसमें जो मैक्सिमम जो लिस्ट जाएगा वो आपके यहाँ से 72 जाएगा। इसका मतलब फॉन्ट का जो मैक्सिमम साइज होता है वो आपका 72 होता है और मिनिमम जो होता है आपका यहाँ से 8 होता है। एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन इससे भी पूछ देता है कि फॉन्ट का जो है मिनिमम साइज कितना होता है। एग्जाम्पल दिया हुआ रहेगा 6, 8, 10, 12, तो आंसर क्या होगा आपका 8, और मैक्सिमम साइज कितना होता है 72। हालांकि आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं और इससे कम भी कर सकते हैं, लेकिन एक जो ऑफिशियल साइज है वो आपका मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसी में आपको और भी मिलेगा, एक आपका यहाँ से बी करके सिंबल होगा, आई होगा, यू होगा। तो बी से आपका होता है यहाँ से बोल्ड, आई से होता है इटालिक, और यू से होता है आपका अंडरलाइन। तो बी से होता है बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है मोटा करने के लिए, यानी किसी भी टेक्स्ट को थोड़ा सा हाईलाइट करना होता है, थोड़ा सा मोटा करना होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं बोल्ड। ऐसे जो भी आपका टेक्स्ट होगा ना वो नॉर्मल होगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही उसको थोड़ा सा मोटा करना होगा तो हम क्या करेंगे बोल्ड पे क्लिक करेंगे। और आई का होता है इटालिक, इटालिक मतलब होता है तिरछा करने के लिए, तिरछा मतलब किसी भी टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा में लिखना होता है तो उस दौरान यूज करना होता है। और यू का मतलब अंडरलाइन, यानी किसी भी टेक्स्ट के नीचे लाइन देने के लिए, जैसे देखिए अभी होम मेनू के नीचे हम लाइन दिए या पेस्ट के नीचे लाइन दिए, तो इस तरह से कंप्यूटर पर भी देना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं अंडरलाइन का यूज करते हैं। और सबसे खास बात क्या है कि ये सब जो भी मेनू का आप यूज करेंगे सारा मेनू का यूज टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद होगा, यानी अगर किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तब आप बोल्ड कर सकते हैं, तब आप इटैलिक कर सकते हैं, तब आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तब आप साइज चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब होम मेनू का जितना भी सारा मेनू है वो सारा आपका जो है टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद होता है, बिना टेक्स्ट को सेलेक्ट किए आप इसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। यूज करेंगे तो उस टेक्स्ट पर अप्लाई नहीं होगा, बाकी जो है जो आगे नेक्स्ट टेक्स्ट होगा उस पर अप्लाई होगा, लेकिन जो लिखा हुआ है उस पर अप्लाई करने के लिए उसको क्या करना होगा सेलेक्ट करना होगा। इसी तरह आपको जो है बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के बाद क्या है कि और ये सब जो है ना एक स्विच की तरह, यानी बोल्ड करना है तो आपको उसी पे क्लिक करना है और फिर बोल्ड से हटा देना है, यानी नॉर्मल कर देना है, तो फिर भी आपको उसी पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका आता है ए बी सी, ऐसा लिख के यहां से काटा हुआ रहेगा, इसका नाम होता है स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का काम क्या होता है टेक्स्ट के बीच में लाइन देने के लिए, जैसे मान के चलिए कि हम यहां से श्याम लिखे तो इस श्याम के नीचे अंडरलाइन करना हो तो हम अंडरलाइन का यूज करेंगे, लेकिन श्याम टेक्स्ट जो है इसके बीच में लाइन देना होगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे स्ट्राइक थ्रू का, ठीक है। इसके बाद आपका आता है ऐसा करके सिंबल मिलेगा और एक ऐसा सिंबल मिलेगा, ये सिंबल जो है इस सिंबल का नाम होता है सब स्क्रिप्ट, और ये वाला जो सिंबल है उसका नाम होता है आपका सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का काम क्या है कि जैसे हमको क्या करना होता है ना कि एक कोई फॉर्मूला लिखना होता है, जैसे आपको लिखना होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है, तो उस दौरान क्या होता है कि आप a लिखते हैं प्लस b लिखे, ब्रैकेट बंद किए और यहां से ऊपर जो लिखते हैं ना ये 2, तो ये जो ब्रैकेट है a प्लस बी ब्रैकेट है ये आपको नॉर्मल है, ये नॉर्मल लिख सकते हैं, लेकिन यहीं पर क्या है कि 2 जो है ऊपर है और ऊपर है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे सुपर स्क्रिप्ट का, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे कर्सर आपका ऊपर चला जाएगा, अब वहां से 2 लिखिए, फिर आपको नॉर्मल आना होगा, तो फिर हम क्या करेंगे इसी पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका टेक्स्ट हो गया नॉर्मल, अब आप यहां से लिखिए इक्वल टू ए, लेकिन अब फिर स्क्वायर देना होगा तो फिर हम क्या करेंगे सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक किए फिर आपका कर्सर ऊपर चला गया और यहाँ पर लिख दिए 2, इसके बाद फिर आपको प्लस नॉर्मल लिखना होगा ना, तो फिर आप इस पे क्लिक कीजिए तो आपका कर्सर क्या हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ से बी,
फिर आपको स्क्वायर लिखना होगा, तो फिर इस पे क्लिक करना है। कर्सर ऊपर चला गया, फिर नॉर्मल लिखने के लिए फिर इसी पे क्लिक करेंगे और इसके बाद लिखेंगे 2AB। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जब जब हमको कर्सर को ऊपर ले जाना होता है तब तब हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर नहीं करना है तो फिर हम उसी पे क्लिक करके डिसेबल कर लेंगे। इसका मतलब इनेबल भी होगा तो इसी से होगा और डिसेबल भी होगा तो इसी से होगा। और सब स्क्रिप्ट का काम क्या होता है, ये जैसे कर्सर को ऊपर लेके चला गया ना, अब नीचे लाना होता है तो सब स्क्रिप्ट का हम यूज करेंगे। जैसे मान के चले H2O लिखना होगा तो H लिखिए तो H तो नॉर्मल हो गया, लेकिन 2 के लिए नीचे लाना होगा कर्सर ना, तो उसके लिए फिर आप सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो कर्सर क्या हो जाएगा आपका नीचे आ जाएगा, और इसके बाद फिर आपको और नॉर्मल लिखना है तो फिर आप इसी पे क्लिक कीजिए। अब आपका कर्सर नॉर्मल हो गया, अब यहाँ से O लिखिए। तो इस तरह से कर्सर को नीचे लाने के लिए और कर्सर को ऊपर ले जाने के लिए हम लोग सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक ऐसा वाला सिंबल मिलेगा, ए लिखा हुआ रहेगा और ये जो ड्रॉप डाउन होगा ना, ड्रॉप डाउन और ड्रॉप अप लिस्ट होगा, ठीक है। तो ये जो अगर ऐसा जो ऊपर दिखाई दे रहा है ऐसा ऊपर वाला सिंबल, इसका मतलब उसका नाम होता है इंक्रीज फॉन्ट साइज, और ये वाला जो नाम होता है वो आपका डिक्रीज फॉन्ट साइज। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना और डिक्रीज मतलब होता है घटाना। तो जब आपका फॉन्ट का साइज यानी जो भी आप लिख रहे हैं उसका टेक्स्ट का साइज अगर आपको बढ़ाना होगा तो हम इस सिंबल पर क्लिक करेंगे। यानी आपको तो इसके पहले भी बताया कि फॉन्ट साइज से भी हम साइज घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें ये बताए थे कि मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72, लेकिन 72 से भी अगर आपको ज्यादा करना होगा तो इस सिंबल पर आप लगातार क्लिक करते रहिए, तो 72 से ज्यादा आप कर सकते हैं। और मिनिमम कितना पता है 8 कर सकते हैं, और अगर उससे भी कम करना है तो फिर हम लोग इस सिंबल पे क्लिक करेंगे यानी डिक्रीज फॉन्ट साइज। ये क्या करता जाएगा, फॉन्ट का साइज को घटाता जाएगा और मिनिमम कितना कर देगा 1 के साइज में। खैर 1 के साइज में ला तो देगा लेकिन दिखाई नहीं देगा, वो तो काम करने के लिए कम से कम 8 का 10 का साइज में होना चाहिए, ठीक है। यानी मैक्सिमम बड़ा करेगा तो क्या हुआ 1000 के साइज में बड़ा कर दे, लेकिन 1000 का साइज जो है वो आपका सफिशियंट नहीं है ऑफिशियल वर्क के लिए, ठीक है। खैर मीनू दिया है जोड़क पड़ा तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिलेगा चेंज केस। इसके बाद है आपका ऐसा करके लिखा होगा कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो कैपिटल ए और स्मॉल ए जो दिया है इसका नाम होता है चेंज केस। चेंज केस का मतलब क्या होता है, इस सिंबल से ही पता चल रहा है कैपिटल ए है और स्मॉल ए है, यानी कैपिटल को क्या कर देगा स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन चेंज केस के जरिए हम कैपिटल से स्मॉल ही नहीं कर सकते, चेंज केस में टोटल केस की संख्या जो होता है वो आपका 5 होता है, जिसमें सबसे पहला है आपका सेंटेंस केस, दूसरा है लोअर केस, तीसरा है आपका अपर केस, चौथा है टाइटल केस, और पांचवा है टुगल केस। तो देखिए चेंज केस में क्या बता है कि 5 तरह का केस, जिसमें अभी तक हम लोग क्या था 2 तरह का केस का ज्यादा यूज की, कैपिटल में और स्मॉल में। तो अगर मान के चले कि कोई भी लेटर अगर आप कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं, कैपिटल लेटर मतलब कैप्स लॉक ऑन करके आप लिख दिए हैं, और अगर आपको क्या करना होगा स्मॉल करना होगा, तो एक उपाय है कि आप उसको मिटा के फिर से लिख ले। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा होगा
तब आपको सारा मिटा के फिर से लिखना टाइम लगेगा। तब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग चेंज केस का यूज करेंगे। ये क्या करता है कि जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है उस लिखे हुए टेक्स्ट को एक बार में क्या होता है स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता है, या स्मॉल लेटर में है तो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। और इसके अलावा और भी तीन है। तो जैसे देखिए, सबसे पहला सेंटेंस केस का काम क्या है कि सेंटेंस का पहला लेटर बड़ा करना हो तब हम लोग सेंटेंस केस का यूज करते हैं। तो जैसे हम एक एग्जांपल में लिखते हैं श्याम कुमार, तो श्याम कुमार को एस पहला बड़ा करेगा, उसके बाद बाकी जितना भी है सब आपका यहां से छोटा करेगा, यानी पहला लेटर बड़ा करेगा और बाकी सारा छोटा। और लोअर केस का काम क्या है कि सेंटेंस का मतलब होता है, सेंटेंस समझ पा रहे हैं आप लोग, सेंटेंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी बहुत सारे वर्ड को मिला के हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं। तो जो भी सेंटेंस होगा उसका पहला लेटर बड़ा करेगा, बाकी सारा छोटा। और लोअर का मतलब होता है सारा लेटर आपका जो है छोटा करेगा। अगर आप लिख चुके हैं तब, लिखने से पहले तो आप कैपिटल स्मॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर लिख चुके हैं तब हम लोग इसको बदलने के लिए इसका यूज करते हैं। और इसके बाद अपर, अपर का काम क्या है कि जो भी आपका टेक्स्ट है उसका सारा लेटर क्या करता है बड़ा कर देता है। तो यानी सेंटेंस में क्या सीखे कि पहला लेटर बड़ा बाकी सारा छोटा, लोअर में आपका सारा छोटा होता है, अपर में आपका सारा लेटर बड़ा होता है। और टाइटल का काम क्या है कि सेंटेंस में हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा होगा। ठीक है, सेंटेंस का क्या होता है, हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा करता है। जैसे श्याम का एस बड़ा करेगा, कुमार का के बड़ा करेगा। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है टुगल, टुगल का काम क्या होता है कि ये जो चारों केस दिया हुआ है इन चारों के बाद क्या होता है किससे अपोजिट करता है, यानी टुगल केस का जब यूज करेंगे तो इनमें से किसी भी केस का यूज करेंगे तो उसके बाद क्या कर देता है अपोजिट कर देता है, यानी उल्टा करता है। तो जैसे अगर आप इसी का उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा क्या होता है, पहला बड़ा है ना तो ये छोटा होगा, और ये सब छोटा है तो बाकी सारा क्या होगा बड़ा होगा। ये कुमार का के बड़ा है तो के छोटा होगा, बाकी ये सब छोटा है तो सब आपका बड़ा होगा। तो ये था आपका जो है चेंज केस में पांच तरह का केस, वो जो कि ज्यादातर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर इसका भी यूज होता है, और ज्यादा यूज जो होता है वो आपका लोअर और लोअर अपर टाइटल इन सब का यूज थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद आपको इसके बाद आपको मिलेगा यहां से एक ऐसा करके सिंबल होगा, ए होगा और उसके नीचे इस तरह से और ऐसा यहाँ पे, ये होता है आपका फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर का काम क्या है कि जो भी आप लिखते हैं तो देखें होंगे एमएस वर्ड में क्या होता है कि डिफॉल्ट जो टाइप होता है वो ब्लैक कलर में टाइप होता है। ठीक है, अगर आपको किसी दूसरे कलर में अगर टाइप करना होगा तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे फॉन्ट का, जैसे रेड कलर में लिखना है, ब्लू कलर में लिखना है, ग्रीन लिखना है, जो भी कलर में लिखना है तो उसके लिए हम फॉन्ट कलर पे क्लिक करेगा तो एक कलर का बॉक्स खुलेगा, उसमें से चूज एनी कलर। इसके बाद होता है आपका अलाइनमेंट, इसके बाद आपका क्या मिलेगा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट जो होता है आपका जो है एक्सेल में देखा जाए तो तीन है, लेकिन एक और है, जैसे देखा जाए कि एक ऐसा करके सिंबल होगा। ठीक है, एक ऐसा करके सिंबल है, और एक पूरा का पूरा ऐसा है। तो ये वाला जो है ना, देखिए इसमें समझिए थोड़ा सा, तो ये है कि जैसे ये पूरा ये जो छोटा लाइन भी है ना वो टेक्स्ट को इंडिकेट करता है, और ये जो पूरा का पूरा लाइन जो खींचा हुआ है ये आपका जो है लाइन पेज को इंडिकेट करता है। यानी कहने का मतलब कि पूरे पेज में आपका टेक्स्ट क्या है इस साइड है, तो ये वाला जो होगा ना आपका क्या होगा लेफ्ट होगा। इसमें देखिए कि पूरा का पूरा पेज में आपका जो टेक्स्ट है वो आपका कहां पर है बीच में, तो ये आपका यहां से सेंटर होता है, और ये वाला जो होता है ना ये आपका राइट, ठीक है राइट साइड है तो राइट होगा, और ये चौथा जो होता है वो आपका जस्टिफाई होता है। तो जब आप रिटर्न लिखेंगे ना तो पूरा
टेक्स्ट आपको कहां पर चाहिए पूरे पेज में, ये हम अलाइनमेंट सेट करते हैं। अगर पूरे पेज में हमको लेफ्ट साइड चाहिए तो इसका यूज करेंगे, बीच में चाहिए तो हम लोग सेंटर का यूज करेंगे, राइट में चाहिए तो हम लोग राइट अलाइनमेंट का यूज करेंगे। और पूरा यहां से वहां तक अगर आप पैराग्राफ अगर लिखना चाह रहे हैं तब उसके लिए हम क्या करते हैं, जस्टिफाई का यूज करते हैं। जैसे अभी देखिए ना, यहाँ पर हम होम मेनू जो लिखे, होम मेनू क्या है ना कि पूरे का वो बीच में है पेज पर, तो ये जो बीच में इस तरह से यहाँ पर हम तो लिख दिए, लेकिन कंप्यूटर पे क्या करना होगा कि आपको क्या करना है कि अलाइनमेंट में जाके यहाँ से सेंटर करना है, तो वो सटीक जो होगा वो बीच में ही आएगा। और ऐसे चाहे तो हम स्पेस दे दे के भी वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वो अच्छा तरीका नहीं है। अलाइनमेंट का यूज करने से सटीक आपका बीच में होता है, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है एडिटिंग। इसके बाद इसी मेनू में, होम मेनू में ही आपका क्या आता है, एडिटिंग। एडिटिंग में जो है, एडिटिंग का मतलब होता है बदलाव करना। एडिट मतलब क्या होता है, बदलाव करना। तो जब आपको क्या करना होता है कि इसमें तीन मेनू मिलेगा, जब आपको किसी भी तरह का बदलाव करना है तब हम लोग एडिटिंग में जाएंगे, जिसमें तीन मेनू मिलेगा, फाइंड, रिप्लेस और तीसरा आता है गो टू। तो जिसमें पहला समझिए कि फाइंड, फाइंड का मतलब क्या होता है, खोजना, ठीक है। फाइंड का मतलब क्या होता है, खोजना। तो जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसमें से किसी भी टेक्स्ट को अगर खोजना होता है कि ये वर्ड कहां पर लिखा हुआ है उस डॉक्यूमेंट पर, तब हम लोग किसका यूज करेंगे, फाइंड। तो उसके लिए देखिए प्रोसेस क्या होगा, आप यहां से होम में जाएंगे, एडिटिंग पे जाइए और यहां से फाइंड पे क्लिक करेंगे। जैसे फाइंड पे क्लिक कीजिएगा एक बॉक्स खुलेगा, उस बॉक्स में लिखा हुआ रहेगा फाइंड व्हाट, ठीक है, और उसके सामने ऐसा बॉक्स लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। और यहां से क्या करना है, फाइंड नेक्स्ट, यानी क्या होगा कि ऐसा करके जो आपके सामने जो बॉक्स दिखाई देगा उस बॉक्स में क्या करना है कि जिस वर्ड को खोजना है या जिस लेटर को खोजना है उस लेटर को क्या करना है आपको इसमें टाइप करना है, ठीक है। और जैसे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका पूरे पेज पर, पूरे डॉक्यूमेंट पर जहां पर भी वो टेक्स्ट होगा वो आपको दिखाई देगा, उसको हाईलाइट कर देगा। और दूसरा आता है यहां से रिप्लेस। रिप्लेस का काम क्या होता है, बदलने के लिए होता है। रिप्लेस का काम क्या होता है, बदलने के लिए। क्या बदलना, तो जैसे पेज पर अगर आप कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है, और वो जो है वो टेक्स्ट आपका मान के चलिए कि एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, 50 जगह पे, तो अगर उसके बदले आपको कोई दूसरा टेक्स्ट चाहिए तो हम रिप्लेस का यूज करते हैं। जिसमें क्या होता है कि एक बार अगर होता है तो हम एक बार तो मिटा के फिर से हम लिख देंगे, लेकिन वो अगर 50 जगह पे है तो क्या 50 जगह पे लिख के मिटाना पॉसिबल है, लेकिन बहुत ही टाइम लगेगा, लेंथी प्रोसेस है, तब हम लोग किसका यूज करेंगे, रिप्लेस का। उसके लिए आप यहां से होम, एडिटिंग और यहां से रिप्लेस पे जाएंगे। यानी क्या करना है कि होम, एडिटिंग, रिप्लेस पे जाइए, ठीक है। और रिप्लेस पे जैसे जाएंगे ना, एक आपका बॉक्स खुलेगा जिसमें कि दो चीज रहेगा, एक आपका यहां से फाइंड व्हाट और दूसरा होता है आपका यहां से रिप्लेस विथ, ठीक है। तो फाइंड व्हाट और रिप्लेस विथ, तो फाइंड व्हाट में क्या करना है कि जिस वर्ड को बदलना है वो वर्ड आपको फाइंड व्हाट में लिखना है, और रिप्लेस विथ में क्या करेंगे कि वो वर्ड लिखिए जो उसके बदले चाहिए। तो जैसे मान के चलिए कि हमको श्याम के बदले जो है मोहन करना है, तो फाइंड व्हाट में क्या करना है आपको, यहाँ पर श्याम लिखना है और उसके बदले क्या चाहिए, मोहन चाहिए ना, तो रिप्लेस विथ में आप यहाँ से मोहन लिखिए। और इसके बाद जैसे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, तो आपका जहां जहां आपका जो है डॉक्यूमेंट पर श्याम लिखा हुआ है उन सारे जगह पे क्या आ जाएगा, मोहन आ जाएगा, ठीक है। तो ये कम समय में क्या कर सकते हैं कि आप खोज भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं, ये किसके जरिए, एडिटिंग मेनू के जरिए। और तीसरा होता है आपका यहाँ से गो टू, इसको मिटाते हैं। तीसरा आपका क्या है,
गो टू का मतलब होता है एक लाइन से दूसरे लाइन पर जाना या एक पेज से दूसरे पेज पर जाना होता है, हम लोग किसका यूज करते हैं, गो टू का। ठीक है, तो जैसे यहां से क्या करना है आपका होम, लेकिन हाँ एक पेज से दूसरे पेज पर आप तभी जा सकते हैं जब आपके पास पेज मौजूद हो। अगर आपके पास पेज ही ना हो तो आप एक पेज से दूसरे पेज पर नहीं जा सकते या एक लाइन से दूसरे लाइन पर नहीं जा सकते हैं। तो उसके लिए होम एडिटिंग गो टू पे जाइए। तो अगर एक लाइन से दूसरे लाइन पर जाना है तो आप लाइन नंबर को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, और जितना नंबर लाइन पर जाना वो लाइन का आप यहाँ से नंबर लिखेंगे और जैसे गो टू पे क्लिक करेंगे आप वहां पर चले जाएंगे, ठीक है। और या तो अगर आपको एक पेज से दूसरे पेज पर जाना है तो आप यहाँ से लाइन नंबर के बजाय आप यहाँ से पेज नंबर को सेलेक्ट कीजिए, यानी पेज नंबर को सेलेक्ट करेंगे और उसमें तब आपसे पेज का नंबर मांगेगा, जो भी पेज पर जाना उस पेज का नंबर डालिए और जैसे गो टू पे क्लिक करेंगे हम वहां पर चले जाएंगे।